इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं एक बार, इग्निशन ऑन, और अब इसको करते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई ये देख लो भाई, जो हमेशा होता है सिंगल किक में हमने स्टार्ट किया, सिंगल किक में गाड़ी स्टार्ट हुई है नॉर्मल, अब इसकी टेस्ट करते हैं। तो भाई काफ़ी लंबी लग रही है, आप भी पर्सनली देखो यार, काफ़ी लंबी लग रही है पीछे से। तो मेरा भी अगर स्टैंडर्ड का हटेगा तो ऐसे ही लुक आएगा, क्योंकि वो सेम है। बाकी इसका भाई क्लासिक का टैंक है, और जो ये स्टैंडर्ड का ये लगा है ये चीज़ के मडगार्ड, भाई एक नंबर मडगार्ड लग रहा है। और कस्टमर की नहीं लगी है, सीट लगी है, पूरी गाड़ी पेंट हुई है, टंकी चेंज हुई है इसकी, इंडिकेटर हो गए, वायरिंग हुई है, क्या नाम मॉडल स्विच हो गए, ग्रिप सेट हो गए, लॉक सेट हो गया, ये सारी चीज़ बफिंग हुई, क्या नाम क्रोम हुई है, निकल क्रोम हुआ है, बफिंग हुई है इंजन पे, आप देख लो सबसे तगड़ा ये लग रहा है। जय माता दी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। और आज फिर आ गया भाई, नीचे देख लो नई बुलेट लेके। और इस बार जैसे कहा था भाई भाई ने कि जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेगी, काफ़ी वीडियो आती रहेगी, काफ़ी बाइक आ रखी है भाई के पास रिस्टोर होने के लिए। तो इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ देख लेना भाई, वो भी डाला था, अभी मिलिट्री लुक हुआ था उस बाइक का, और जो भाई कस्टमाइजेशन हुआ था उसमें, और जो पेंट जो हुआ था भाई एक नंबर की थी, काफ़ी अच्छी लगी वो मेरे को पर्सनली। और बाकी आज इसमें काम हुआ है क्या, पूरी कहानी भाई से सीधा मिलते हैं और फिर बात करते हैं भाई से। तो भाई क्या हाल चाल? बस ठीक, आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब? भाई सारे बढ़िया हैं, पब्लिक भाई काफ़ी आपको प्यार मिल रहा है, और काफ़ी आपकी जो बाइक लाइक कर रहे हैं, और मिलिट्री वाली खासकर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और पब्लिक को भी काफ़ी अच्छी लगी है। ये तो आप सबका प्यार है, बस हमारे लिए हमें ऐसे प्यार मिलता रहे तो हम गाड़ियाँ बनाते रहे और आप लोगों को अच्छा इससे अच्छा इम्प्रूव करके दिखाते रहे। बस काम ऐसा होता रहे, मजा आया था देख के मिलिट्री वाली। सो इस वाली की क्या बाइक, बाइक की कहानी है भाई पूरी बताओ आप, क्या था ये कहानी? कानपुर की कहानी है ये, कानपुर से आई है ये बाइक हमारे। अच्छा। पास कानपुर का छोटा सा गांव है, वहाँ से एक बाइक आई है ये। अच्छा। 1999 मॉडल है, दिल्ली नंबर, ये दिल्ली से ही लेके गए थे वो बंदे। तो उन्होंने गाड़ी भेजी है, तो उनकी जो ना रिक्वायरमेंट थी कि क्लासिक लुक हो जाए, तो मैंने उनका मरगार्ड भी कहा था, मैंने पीछे का मरगार्ड चेंज करा, मगर उन्होंने बेचारों ने पीछे का मरगार्ड चेंज नहीं करवाया, अपना स्टैंडर्ड वाला मरगार्ड है। बाकी टंकी मैंने नए मॉडल की डाल दी है, बेस 3 की, बाकी सारा लुक क्लासिक जैसा ही कर दिया है, पूरी गाड़ी पेंट हुई है ठीक है, और इसमें नई वायरिंग डली है एसीडीसी वाली, दोनों मॉडल स्विच दोनों नए डले हैं, बाकी क्रोम पाउडर क्रोम वफिंग हुई है, और क्या नाम है आपका अलॉय व्हील डलवाए हैं, टायर डलवाए हैं, ये देखिए साइड गार्ड, इसका पुराने मॉडल वाली साइड गार्ड है, सारी चीज़ें वही हैं, इंडिकेटर वगैरह हो गए, मतलब ये गाड़ी पूरी ऑल ओवर सही गाड़ी थी, बढ़िया थी, और चलती हुई गाड़ी थी, पूरी रनिंग कंडीशन में थी गाड़ी, बिल्कुल ओके गाड़ी थी। तो बस इसकी खाली पेंटिंग हुई है और खाली सर्विस वगैरह हुई है, इंजन में थोड़ा बहुत काम था, वो थोड़ा बहुत काम कराया है उसमें, अलॉय व्हील वगैरह डलवाया, और क्लासिक लुक बनाई है गाड़ी, मतलब कस्टमर की डिमांड थी कि मेरे को क्लासिक लुक चाहिए। हाँ क्लासिक लुक चाहिए, उसने क्लासिक लुक बनवाया, उसकी भी सीट पीछे वाली सीट आ रही है बन के स्टैंडर्ड की फिटिंग की, तो वो सीट अभी आज आई नहीं, अभी तो मैं जरा टेस्ट ड्राइव पे था, तो इस चक्कर में आपसे मैंने बुला लिया कि आप फ्री थे, आपके पास टाइम था इसलिए बुला लिया, अभी मैं 5-7 दिन से चलाऊंगा खुद ही, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी बहुत आवाज़ें होंगी जो सब कुछ चेक करना है मुझे, क्योंकि 7-8 दिन में टेस्टिंग करता हूँ इसकी, कम से कम रोज 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोज चलाता हूँ इस गाड़ी को। सो गाइस आपके पास ये गाड़ी ऐसे नहीं पहुँचती, पहले कम से कम एक हफ्ता भाई खुद टेस्टिंग करते हैं, अभी चला के अभी टेस्टिंग पीरियड में चल रही है अभी, क्योंकि अभी देख रहे हो आप टायर किसे अभी नीचे मकनी रखी, मैंने बोला था भाई कपड़ा मार देना थोड़ा, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चली रही है, और मेरे पास भाई थोड़ा टाइम नहीं था, मैंने बोला ध्यान भाई को भाई निकालो टाइम, तो बस वो टेस्टिंग पीरियड में चल रही थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा कपड़ा मार के बनाए लेंगे वीडियो। तो बाकी इसका भाई क्लासिक का टैंक है, और जो ये स्टैंडर्ड का ये लगा है ये चीज़ मडगार्ड, भाई एक नंबर मडगार्ड लग रहा है, और कस्टमर की डिमांड है कि पीछे भी उसका सीट चाहिए। बाकी भाई सिंगल सीट में कैसे लग रही है आपको, ज्यादा अच्छी लग रही है ना? तो ज्यादा अच्छी लग रही है, पर उसे चाहिए डबल सीट बैठाने के लिए, घर वाले भी कोई ना कोई बैठेगा, जो बैठेगा बैठता है, बाकी सिंगल सीट काफी अच्छी लग रही है। और ये देखोगे आप कि जो इसकी हाइट है, मतलब लेंथ है, लेंथ भाई इसकी ज्यादा नहीं बढ़गी कुछ, लंबी कुछ ज्यादा होगी, वो अभी सीट नहीं लगी ना, इस चक्कर में ज्यादा लग रही है। अच्छा, मेरे को भाई काफी लंबी लग रही है, आप भी पर्सनली देखो यार, काफी लंबी लग रही है पीछे से। तो मेरा भी अगर स्टैंडर्ड का हटेगा तो ऐसे ही लुक आएगा, क्योंकि वो सेम है ना, सेम है। तो बाकी भाई इसका क्या हुआ, सीट नहीं लगी है? सीट लगी है, पूरी गाड़ी पेंट हुई है, टंकी चेंज हुई है इसकी, इंडिकेटर हो गए, वायरिंग हुई है, क्या नाम मॉडल स्विच हो गए, ग्रिप सेट हो गए, लॉक सेट हो गया, ये सारी चीज़ बफिंग हुई, क्या नाम क्रोम हुई है, निकल क्रोम हुआ है, बफिंग हुई है इंजन पे, आप देख लो बफिंग भी हो रहा है। और ये जो स्विच लगे हैं, मतलब इसका ये वाला भी चेंज होना नहीं होना? ये चेंज करना है, अभी ये हमारे पास वाला स्विच खत्म हो गया था, इसमें खाली सेल्फ वाला नहीं आएगा, विदाउट सेल्फ वाला आता है, स्टैंडर्ड में आता ना विदाउट सेल्फ वाला, वो लगेगा इसमें। अभी मतलब टेस्टिंग पीरियड में, तो आप टेस्टिंग पीरियड में, अभी तो सिर्फ टेस्टिंग पीरियड में। और बाकी भाई इसमें पूरा भी नया वाला हिसाब किताब है, टैंकी इसमें रीपेंट हुई है, आगे का मडगार्ड वगैरह देख लो सारा पेंट हुआ, इंडिकेटर ब्रांड न्यू डले हैं, ये भी पेंट हुआ है इसका, हेड गेजिंग पेंट
चीज पेंट हुआ, बाकी अलॉय व्हील भाई कस्टमर की डिमांड थी। हाँ, अलॉय व्हील यही मांगे थे कस्टमर, जो कीचड़ में होगा थोड़ा सा इस चक्कर में भी लेके आया ना, तो कीचड़ में होगा तो सफर नहीं लग रहा। आप देख रहे हो चौड़े होते हैं वो थोड़े बैठ जाते हैं, बाकी आपके अपने अपनी पसंद है जो आपको अच्छे लगे। बाकी कस्टमर की डिमांड थी भाई, मतलब इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं था, मतलब मोटा मोटा ही काम था उसका, बफिंग वगैरह कराई है इसका, जो है होन लगे हैं, ये सिलेंडर की नई डली है। अच्छा, ये सिलेंडर की डिस्क की नई डली अभी है। इसमें इंजन में ये सफाई होनी है, अभी धुलाई भी नहीं करी है इसकी, वॉशिंग भी नहीं हुई है अभी। अच्छा। गाड़ी की ठीक है, अभी थोड़ी शाइनिंग होगी क्योंकि बरसात में थोड़ा सा मसला था ना, बरसात हो रही थी, 5-6 दिन बरसात हुई है, तो इस चक्कर में अभी हमने कुछ कराया नहीं इसमें। मतलब इसका मेन इसका पेंट जो सीट वगैरह और बाकी इसका टैंक नहीं अलग है, बाकी इसका यह काम हुआ है, ज्यादा काम इसमें था नहीं, चलती रनिंग कंडीशन में दिखा रही थी। और कौन सा मॉडल है ये? 1999 का मॉडल है भाई ये, पर कस्टमर की डिमांड थी कि उसको थोड़ा क्लासिक वाला अच्छा लग रहा था, तो उसने थोड़ा क्लासिक का लुक दिया इसको। जैसे मतलब आपकी डिमांड है वैसे आप बना देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। और बाकी जो इसने पीछे ओल्ड में ऐसे आता था गांव वगैरह में, आप देखोगे लोग यही लगा के घूमते थे, तो उस टाइप का लुक भी रखा है इसने। साउंड अच्छा आया था इससे, अच्छा इससे साउंड अच्छा आता है, इससे थोड़ा साउंड अच्छा आया था। बाकी भाई क्रोम आप देख रहे हो कितना चमक रहा है, शाइनिंग हो रहा है, पूरी बफिंग हुई है इसकी, है बफिंग हुई है, कार्बोरेटर इसका पुराना ही है भाई, देखने से आपको लग रहा होगा। और बाकी इसमें जो पैन भाई साइलेंसर जो ना जस्ट खा रहा था, तो मैंने उनसे कहा था चेंज कराने के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा चेंज नहीं करना, अब इसे मैं स्प्रे पेंट से मार देना, तो स्प्रे पेंट से करवाया, पाउडर कोट भी नहीं करवाया उसने। तो भाई इसमें पाउडर कोट नहीं होगा देखने से आपको लग रहा हो, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो भाई फेक वाला काम ही नहीं है। पाउडर कोट है तो पाउडर कोट है, नहीं है तो नहीं है भाई, जैसे आपकी डिमांड होगी, उनका बजट नहीं होगा जो भी है, मतलब बजट के हिसाब से होता है, उनकी डिमांड के हिसाब से जो भी है, तो नहीं था उनका तो उन्होंने भाई नॉर्मल ऐसे कराया। बाकी इसके लॉक सेट वगैरह नेड़ ले सब कुछ नया, चाबी से पता लग रहा है, ये देख लो न्यू चाबी है इसकी पूरी फुल, तो लॉक सेट इसके सारे जो है नेड़ ले हैं भाई, लॉक सेट हो गया, लाइटें हो गई, इंडिकेटर हो गया, स्विच हो गए सारे, पीछे बैक लाइट हो गई, बैक लाइट वगैरह हो गई, देख लो सारी नेड़ ली है, पैड हो गए, टंकी हो गई, स्टिकर हो गए, सारी चीजें नहीं है, बाकी ओवरऑल नया ऑयल फिल्टर और जो इंजन में थोड़ा बहुत काम कराया वो भी है इसके अंदर, क्लच वगैरह काम कराया, काफी कुछ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, बहुत काम कराया इसके अंदर। क्या बजट गया भाई इसका? अगर इसका गया है भाई 30-35 हज़ार के करीब पहुंचा है इसका बजट, 30-35 हज़ार में आपकी ये बाइक पूरी बन गई है, पेंट से लेके पेंट इंडिकेटर वायरिंग वगैरह ये नॉर्मल सर्विस वगैरह होती है, नॉर्मल वगैरह, और सीटें वगैरह जो आपकी नहीं बनी है वो सब आपके बफिंग वगैरह बना के आपका 30-35 हज़ार में आपका बैठ गया। उसके बाद जब उन्होंने 35 हज़ार का पहले एस्टीमेट था, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ना भाई मेरे अलॉय व्हील भी लगवाना है और डिस्क ब्रेक लगवाना है, उसके हिसाब से फिर ये 10-12-15 हज़ार रुपये का काम एक्स्ट्रा हुआ, जो डिस्क लगा है, शॉकर लगे और ये लगे, 15-16 हज़ार रुपये का काम एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 45-50 के करीब पहुंची जाके। तो अलॉय व्हील तो आपको बताइए नॉर्मल अलॉय व्हील ले जाओगे 10 हज़ार के अंदर ही नॉर्मल आते, तो उसके हिसाब से ये मतलब जैसे आपकी डिमांड से वैसे बन जाएगी। और बाकी इसका एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स रहता है, एक बार स्टार्ट करके सुनाओ भाई। और साइलेंसर इसका भाई इंदौर या केंदोरी, यार मैं अपना ही बोलने लग पड़ता हूँ, तो इंदौरी साइलेंसर है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। वैसे ये देख लो थोड़ा सा प्रेशर बनाया और कैसे स्टार्ट होगी, ओल्ड मॉडल है, प्रेशर बना के स्टार्ट होती है, और साउंड सुन लो ये स्पीड देखिए इसकी, और इंजन एकदम सुन लो कितना साइलेंट है इसका, अभी आपको सुनाएंगे साइलेंट, अब सुन लो आवाज भाई इंजन की, कितना साइलेंट इंजन है भाई, इससे पता चलता है काम कैसा हुआ है, तो आवाज सुन लो, और कोई इशू नहीं लगा भाई, इंडिकेटर वगैरह इसके सारे ओके हैं, लाइट इसकी भाई BS3 वाली है, वो वगैरह सब जल रहा है, तो अगर आपको भी अगर ऐसा काम करवाना है, अगर इस टाइप की बाइक अगर आप बनाना चाहते हो, तो भाई एक बार अपना एड्रेस बता दो फुल क्या रहने वाला है। हमारा एड्रेस है दिल्ली में, हमारा है, हमारा वर्कशॉप है, हमारा सिर्फ एक ही वर्कशॉप है, आराम सर्विस सेंटर के नाम से, वो भी जामिया नगर ओखला में है, D268 अब्दुल फजल इनक्लेव नियर अलशिफा हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, प्रोवाइड करते हैं, उस नंबर पे कॉल करके आप मेरे को कभी भी आ सकते हैं, मैं कभी भी बात कर सकते हैं, कभी मिल सकते हैं मुझसे भाई, नंबर आप बात करिए, अगर आपको आना है लोकेशन भाई सेंड करते हैं, सीधा आप वहीं पहुंचोगे शॉप में, और अगर इस टाइप का काम करवाना है नहीं तो कोई भी इंक्वायरी है भाई से बात करो, नंबर आपको मिल जाएगा, बुलेट से रिलेटेड कुछ भी हो वो हमसे बता सकते हैं, हमसे काम करा सकते हैं। बुलेट का आप कौन सा काम करते हो, कोई बुलेट हो सारे का काम कर दोगे? सारों का नहीं फिलहाल, जो डीजल वाली पहले की जो बुलेट आती थी उनका नहीं, ओल्ड मॉडल का जितना सारा है वो हो गया, नए मॉडल के जो भी आ रही है उनका सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड मॉडल के उनके पार्ट्स नहीं मिलते डीजल वगैरह हो गए।
उसके काफ़ी मुश्किल रहती है, बाकी ओल्ड मॉडल से लेके न्यू मॉडल तक सबका काम होता है भाई, और जेन्युइन काम होता है। रॉयल एनफील्ड का आपको दिखाई रखे मैंने बीच बीच में जो सामान वगैरह डलता है सारा जेन्युइन डलता है। बाकी इसकी एक बार मैं भी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ जो हमेशा मैं लेता हूँ, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको चला के बताता हूँ। बाकी गाइस इसका ये भी देख लो, ये वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा, पुरानी बाइक थी जो उसका जो कस्टमर की डिमांड थी वही चाहिए मेरे को, तो पुराने वाला नए वाला आप देख रहे हो कितना वो रहता है कि मजबूत नहीं रहता, ये देख लो छूने से पता लगता है कितना मजबूत है, तो उन्होंने इसको रीपेंट करवाया। इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं एक बार, इग्निशन ऑन, और अब इसको करते हैं भाई स्टार्ट। तो गाइस ये देख लो भाई जो हमेशा होता है सिंगल किक में हमने स्टार्ट किया, सिंगल किक में गाड़ी स्टार्ट हुई है नॉर्मल, अब इसकी टेस्ट करते हैं। गियर इसका भाई ऊपर, ये लग गया इसका गियर, छोटी सी राइड थी, और बाकी किल स्विच इसका यहीं दे रखा है, यहाँ से हमने कर दी हो तो वही पता है आपको, छोटी सी राइड लेता हूँ पर मजे के लिए लेता हूँ, और बाकी ठीक है भाई हैवी पन है काफ़ी इसमें, और ये समझने में भी देर को समझने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी भाई वीडियो कैसे लगी हो, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक ले भाई मौज लो, नहीं मिलते खोज लो खोजो जरूर, और इस टाइप की वीडियो की बाइक काफ़ी आने वाली है लगातार, अभी 3-4 और बाइक चल रही है उनका काम इस टाइप की बाइक या मिलिट्री वाली टाइप की बाइक आपके पास आने वाली है, तब तक ले भाई बने रहना चैनल के साथ, मिलते रहेगी आपको।